गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी ध्यान दीजिए। एक सवाल कल जो हम लोग पढ़े मीडियन का डिस्क्रीट अरे इंडिविजुअल सीरीज में, एक सवाल का उदाहरण देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया है, गिवन वेलो इज द एज ऑफ सम स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ देयर एज। उनके एज कितने हैं, तो 20, 16, 19, 14, 10, 22, 11 एंड 9, ये उनकी एज है। तो हम इसको करेंगे सॉल्व। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, यहाँ पे पहले डाल दीजिए सीरियल नंबर और यहाँ पे आपका एज अरेंज्ड इन, लिखिए एज अरेंज्ड अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने आपका 8 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्टूडेंट्स हैं आपके। इनके एज कितनी है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग में करना है तो सबसे छोटा क्या लिखेंगे, 9 है, उसके बाद 10 है आपका, फिर 11 है, 14 है, 16, 19, 20 एंड 22, ये हमने अरेंज कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो किया। अब हम लिखेंगे आपका जो मार्क्स है वो क्या है, इवेन है, कहाँ क्या है आपका इवेन, ध्यान दीजिए ये इवेन मार्क नंबर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे मीडियम इज इक्वल टू, लिखेंगे साइज ऑफ, फार्मूला यही है, एन प्लस वन अपान टू आइटम, एन कितना है आपका 8 प्लस 1 अपान 2 था आइटम, तो आपका यहाँ पे आएगा आंसर 4.5 आइटम। तो इसके बाद हम देखिए यहाँ पे 4.5 आया, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम का एवरेज निकालेंगे। तो लिखिए ध्यान से, टू गेट मीडियन द सम ऑफ सम मतलब समझते हैं आप लोग, सम ऑफ फोर्थ आइटम एंड फिफ्थ आइटम इज डिवाइडेड बाई टू। तो आप देखिए फोर्थ आइटम क्या है, तो फोर्थ आइटम 1, 2, 3 फोर्थ आइटम है आपका 14 प्लस फिफ्थ आइटम है आपका 16 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 15, क्योंकि 30 अपॉन 2 यानी 15, यानी कि आपका मीडियन आ जाएगा 15 ईयर, कितना आ जाएगा 15 ईयर। आई होप आप लोग को ये वाला अरे एग्जांपल क्लियर हो गया हो और आप लोग का मीडियन भी इंडिविजुअल सीरीज में क्लियर हो गया हो। अगर आपका ये तो इवेन नंबर था, अगर ऑड नंबर देता तो सीधे वो आंसर आ जाता, वो अलर्ट आइटम। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मतलब इसी को समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये 8 की जगह 7 ही होता, तो यहाँ पे आप लिखते 7 आइटम है, तो 7 प्लस 1 8 यहाँ पे, तो 4, तो फोर्थ आइटम आपका क्या रहता, 1, 2, 3, 4, फोर्थ आइटम आपका 14 आता, तो मीडियन आपका क्या आता 14, कब, जब आपका ऑड नंबर दिया रहता, तो ये 8 वाला आइटम ना दे के सिर्फ 7th आइटम देता, तो उसका कैलकुलेशन बस वहीं करते हैं। यहाँ पर करने के बाद 7 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 4 आएगा, तो फोर्थ आइटम आपका क्या है 14, तो वो होगा आपका मीडियन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में ध्यान से देखिए,
इसके मेथड से देख लीजिए, देखिए दिया है इन ए डिस्क्रीट सीरीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर गिवन अलोंग विद देयर फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में जितने भी वेरिएबल्स यानी नंबर ऑफ आइटम दिए होंगे उनकी क्या दी रहती है, फ्रीक्वेंसी। ये तो आपको ये पहचान तो आपको पहले से याद हो, मीन में ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम इसमें डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए स्टेप ऑफ टू कैलकुलेट मीडियन, तो द स्टेप इन्वॉल्व्ड आर, देखिए स्टेप फर्स्ट दिया है, फर्स्ट क्या करेंगे, अरेंज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइदर इन असेंडिंग आर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। हम पहले असेंडिंग आर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे, इसमें एक सेकेंड रुके, अरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइदर असेंडिंग आर डिसेंडिंग आर, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को हम अभी आगे बताएंगे कि क्या करना है उसमें, क्योंकि जो अरे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, उसको बताएंगे कैसे चेंज किया जाता है। सेकेंड स्टेप है हमारा डिनोट वेरिएबल्स, यानी कि जो आइटम्स है एज एक्स, जो आपके नंबर ऑफ आइटम है उसको एक्स से डिनोट करते हैं, ये हम पहले भी जो वेरिएबल्स है उनको एक्स से डिनोट करते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी को एफ से। थर्ड स्टेप है आपका कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम क्या करेंगे जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फोर्थ है आपका फाइंड द मीडियन, एज फार्मूला है आपका मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम, वही फार्मूला जो आप क्या किए थे इंडिविजुअल सीरीज में किए थे, वेयर मीडियन यम ई जो है यम ई मीडियन को दर्शा रहा है एंड यन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये नंबर ऑफ आइटम ना होके यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा यन। फाइव स्टेप है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ यन प्लस वन आइटम, इट कैन बी फाउंड बाई फर्स्ट लोकेटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो आइटम मतलब ये जब कैलकुलेट करेंगे जो आएगा ना इसका वैल्यू, उसको हम फर्स्ट लोकेटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे देखेंगे, विच इज़ इक्वल टू इतना, मतलब जो इस मान की क्या होगी बराबर होगी, और नेक्स्ट हायर टू इट एंड द डिटरमाइनिंग द वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग टू इट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मीडियन। इसको आप ये तो एज अ थ्योरी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए लिख भी लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आ गया रूल्स हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज एज ए क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कैसे करेंगे, तो ये हम पहली बात हमको ये याद रहेगा तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे कन्फ्यूजन होने वाले हैं, तो इसलिए धीरे धीरे आप लोग पढ़िए और धीरे धीरे सब अपने माइंड में क्लियर करते रहिए। देखिए अब सवाल हम लोग चलते हैं करते हैं, देखिए ये वाला सवाल हम आप लोग को समझाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपका एक्स दिया है साइज एक्स 3, 4, 4, 5, 6, 7 और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपका 2, 1, 3, 7, 4। देखिए आपका ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, 3 ये सबसे छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, ये तो है नहीं कि हम ये क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है तो जाहिर सी बात है ये किस ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग में रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी आपकी पहले से भी जब ये इसको हम देखेंगे ये असेंडिंग है कि नहीं डिसेंडिंग है कि नहीं, ठीक है ना, ये अगर ये असेंडिंग में नहीं है तो इसको असेंडिंग में चेंज करेंगे और असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज, लेकिन देखिए ये पहले से ही आपकी क्या डिस्क्रीट सीरीज एक एक का क्या इसमें अंतर दिखा रहा है 3, 4, 5, 6, 7 ये डिस्क्रीट है और ये फ्रीक्वेंसी, तो ये तो जो पहले दिया है अरेंज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आइदर द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो करना ही नहीं है। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सॉल्यूशन दिया है इसमें, पहले आपका साइज है एक्स है तो 3, 4, 5, 6 ये पहले से ही है 3, 4, 5, 6, 7 फ्रीक्वेंसी आपकी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 1, 1, 3, 7 एंड 4 ये। फिर देखिए हमको क्या करना है, अब जो फ्रीक्वेंसी है इसका थर्ड स्टेप जो दिया था कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, क्यूमुलेटिव यानी इसको संचयी बारंबारता भी कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, और सी एफ से डिनोट कर दे। देखिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए निकालने के लिए एफ को पहले टू और उसके ऊपर वाले नंबर को क्या करते जोड़ते, तो टू है उसके पहले तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आपका टू ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वन है तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वन प्लस टू करेंगे, या इसको इसमें जोड़ दें टू प्लस वन, या वन प्लस टू कितना आएगा थ्री। फिर देखिए इसके बाद देखिए एक सेकेंड, देखिए थ्री, ये थ्री है, फिर ये जो आया थ्री, थ्री प्लस जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा थ्री प्लस थ्री सिक्स आ जाएगा। फिर आपका ये सेवन प्लस सिक्स करेंगे तब भी आ जाए, सेवन सिक्स करेंगे तो कितना आएगा थर्टीन, और थर्टीन, और चाहे तो इसको इसको जोड़े चाहे तो इसको इसको, सब एक ही है, थर्टीन प्लस फोर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सेवेंटीन। ध्यान दीजिए इसको सीधे ऐसे तो बुक में दिया है, अगर सिंपली हमको जोड़ना है तो देखिए कैसे जोड़ा जाता है, टू है उसके ऊपर वाली संख्या में हम जोड़ेंगे, टू टू का तो कुछ है नहीं तो टू ही रहेगा। फिर इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वन उसके नीचे वाली को इसमें जोड़ते हैं, तो वन प्लस टू कितना हो गया थ्री, फिर थ्री यहाँ पे आया तो थ्री प्लस थ्री कितना है सिक्स, फिर यहाँ पे सिक्स आया तो सेवन प्लस सिक्स कितना आ जाएगा थर्टीन, और फोर प्लस थर्टीन कितना आ जाएगा सेवेंटीन। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है, तो हम इसको जब जोड़ते हैं ना सिग्मा एफ को तो ये सेवेंटीन ही आएगा, तब हम जान जाएंगे कि ये हमारा सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल ही लास्ट में ये यहाँ पे क्या आता है, आता है, समझ में आ गया। जब भी करना रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हम सिंपली ऊपर वाले को ऊपर टू ही करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करते जाएंगे इसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। आगे अगर नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे और सब सवाल में। फिर देखिए मीडियन बराबर फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइज ऑफ एन प्लस वन अपॉन टू आइटम, यहाँ पे साइज ऑफ एन कितना है आप लोग का, एन यहाँ पे आपका हो जाएगा 17, तो 17 प्लस वन अपॉन टू आइटम कितना हुआ 18 अपॉन टू, यानी कि नाइन्थ आइटम। देखिए कह रहा है कि जो नाइन्थ आया ना उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, जो इसकी वैल्यू आएगी मतलब मीडियन, ये इसकी जो वैल्यू आएगी नाइन्थ आइटम को हम इसमें नहीं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि इसमें कहाँ आ रहा है। ध्यान दीजिए नाइन्थ सिक्स में तो आएगा नहीं, ये किस में आएगा थर्टीन में, किस में आएगा थर्टीन में, या तो नाइन रहे या नाइन से अधिक, नाइन से कम नहीं होना चाहिए, तो नाइन थर्टीन, तो इसके ठीक सामने वाला जो आइटम होता है वो आपका क्या होता है मीडियन होता है, यानी आपका मीडियन बराबर, चाहे लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे कि नाइन्थ नहीं, सिंस नाइन्थ आइटम फॉल्स इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थर्टीन इसमें कह रहा है थर्टीन एंड द साइज अगेंस्ट दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज सिक्स, देयरफोर मीडियन इज इक्वल टू सिक्स। ध्यान दीजिए ये लिखना भी अगर चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, अगर आप लोग को समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू आती है नाइन्थ आइटम इसको हम किस में देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, कि किसके पास हमेशा जो यहाँ पे आ गए, मान लेते हैं नाइन आया है तो नाइन्थ इसमें है नहीं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो नाइन्थ के बाद जो बड़ा होगा उसे, यानी नाइन से जो बड़ा होगा तो नाइन से बड़ा इसमें थर्टीन है, तो ठीक उसके सामने की संख्या क्या होगी इसमें दी जाएगी, ठीक है, तो इसलिए मीडियन आपका आ जाएगा सिक्स। आई होप आप लोग को समझ में आया। आगे भी हम एक क्वेश्चन करा देंगे, ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन और कैलकुलेशन कर लीजिए फटाक से समझ में आ जाएगा। देखिए हम ये वाला लेते हैं थोड़ा बड़ा, देखिए दिया है लोकेट
मीडियन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मान दे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कुछ में नहीं चेंज करना है क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग में है। देखिए यहाँ पे क्या किया, ये पहले लिख लिया x, फिर f ये लिखिए। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो किया है, ध्यान दीजिए कैसे के यहाँ पे 7 है, तो हम कहें कि 7 है तो 7 को सीधे सीधे यहाँ लिखते हैं क्योंकि इसके 7 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो उसको सीधे यहाँ पे क्या करें लिख लीजिए। फिर उसके बाद 14 प्लस 7 करेंगे तो यहाँ आएगा 20। फिर इसके बाद 18 प्लस 21 करेंगे तो 39। फिर 36 प्लस 39 करेंगे तो आ जाएगा आपका 75। और उसके बाद देखिए 51 प्लस 75 करेंगे तो आएगा 126। फिर 54 प्लस 126 करेंगे तो आएगा 180। 52 प्लस 180 करेंगे तो 235। 20 प्लस 232 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 252। इसको सही हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, इसको करने के लिए हम इस फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, यन पहले भी बताया सिग्मा एफ बराबर यन होता है, यहाँ पे कितना 252, यानी कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है सही है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही आ रही है कि नहीं। अगर इसको टोटल करने पर जितना आता है वही लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है, हमेशा याद रखिएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए 7 को 7 से उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद 7 तो हो गया, उसके नीचे इसको ऐसे करके जोड़ते हैं, यानी 14 प्लस 7 जो आया 21। 14 प्लस 7 को करेंगे तो यहाँ पे 21। फिर 18 प्लस 21 को करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। 36 प्लस 39 करो तो ये वैल्यू आएगा। समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए अगर ये नहीं समझ में आया तो आप लोग लिख के भेजिएगा, हम इसको दोबारा पढ़ा देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना। आप देखिए फार्मूला लिखेंगे, मीडियन आपका जो दिया है, मीडियन साइज ऑफ यन प्लस वन अपॉन टू आइटम, तो यन का मान कितना है 252 है, प्लस वन अपॉन टू करेंगे तो आप जब 253 अपॉन टू करेंगे तो आपका 126 पॉइंट ये वाला आइटम आएगा। तो अब हम इसको देखें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस में आ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका 126 है, तो क्या आपका 126 है उसके बराबर नहीं, ये 0.5 अधिक है तो इसमें ये नहीं आएगा, ये ठीक उसके बाद वाले क्यूमुलेटिव यानी ये 180 में आएगा। अगर 126 रहता तो ये इसी में आता, लेकिन देखिए 0.5 यानी अधिक है 126 से, आधा अधिक है तो इसलिए इसमें आएगा। तो मीडियन ग्रुप है तो ठीक इसके सामने का जो आइटम है 30, यानी कि आपका मीडियन देखिए दिया है कि सिंस 126.5 था आइटम फॉल्स इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 एंड द साइज अगेंस्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 30, देयरफॉर मीडियन 30, तो इसलिए आपका मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 30 आई। आई होप आप लोग को समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ लिख के भेजिए कि मैम नहीं समझ आया, फिर से बताइए।